नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर मैट्रिक्स की, और मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे और उनके बारे में डिस्कस किया था। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, और आज की क्लास की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन के साथ। यह क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में होमवर्क के लिए आपको दिया था, और आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपने कर भी लिया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखो, जब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, जब ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होगी तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहले, यदि दो मैट्रिक्स आपस में समान है, बाद में उतारना, यदि दो मैट्रिक्स आपस में समान है तो उनके संगत अवयव भी आपस में समान होंगे। यह लाइन लिखना जरूरी है। इस लाइन से एग्जामिनर को कुछ करना हमारा काम है, उसे लगाना है यार, एक बार गेट को फटाफट जाके। अतः ठीक है, आ जान दो सर। अब उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे, तो ये अवयव किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो 3x + 4y = 2। फिर x - 2y किसके बराबर होगा, तो x - 2y = 4, ठीक है। इसे मैंने ऐसे लिख दिया फर्स्ट करके, इसको सेकंड करके लिख देंगे, a + b किसके बराबर होगा 5 के, और 2a - b किसके बराबर हो जाएगा -5 के। अब इसके बाद तो 10वीं क्लास आ गई, समीकरणों को सोल्व करना। अब इसमें से इसका मान ज्ञात करने के लिए दोनों के गुणांक समान होना चाहिए, या तो x के गुणांक समान होना चाहिए या y के गुणांक समान होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो इनका गुणांक समान करने के लिए क्या करें, इस नीचे वाली समीकरण को 3 से गुणा कर दें, इसको 3 से गुणा कर दें, तो ये भी 3x और ये भी 3x, या ऐसी करो, ये प्लस का 4y है, अगर यहाँ माइनस का 4y आ जाएगा तो प्लस से माइनस कट जाएगा, तो इसको 2 से गुणा कर दें नीचे वाली को, कर सकते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसको अपन ने 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। दो इसके बाद आगे लिखेंगे 3x + 4y = 2, इसको 1 से गुणा कर दो, 1 से गुणा करेंगे तो ये ऐसा का वैसा आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2x से गुणा होगा तो 2x, 2 इससे गुणा होगा तो माइनस का 4y, और 4 दुआ दोनों को जोड़ देंगे, नील बटा सन्नाटा, 3 और 2 5x, और 8 और 2 10, ये दो बार कट गया, और x बराबर कितना आ गया, x का मान 2 कोई से भी समीकरण में रख दो इनमें से, उससे किसका मान आ जाएगा, y का। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ, इसको समीकरण 2 दे देता हूँ, ठीक है। किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, समीकरण 2 से, इसके बाद मैं इधर बता रहा हूँ, इसके बाद इधर समीकरण 2 से x की जगह कितना रख दिया, 2 माइनस 2 की जगह y की जगह बराबर, ये इंटू दो नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बैलेंसिंग के लिए अपन ने किया था, ठीक है। अब ये माइनस का 2y बराबर ये 4, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 बन के जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2, और माइनस के 2y, 2 से 2 ख़त्म, ये माइनस उधर जा सकता है, तो y का मान कितना जाएगा, -1, x = 2 और y = -1। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बोलो, ठीक है, यहाँ तक मामला। अब इसके बाद इधर देखना, यहाँ पे बी और बी आ रहा है, इनको तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, एक प्लस का बी, एक माइनस का बी, डायरेक्ट जोड़ेंगे, तो इससे ये ख़त्म, 2a और a कितना हो गया, 3a, +5 - 5 कितना हो गया, 0, a बराबर 0/3, और 0 में तो किसी का भी भाग दो, क्या आएगा, 0, a का मान 0, इसको किसी में भी इसमें पुट कर दें
किसका माना जाएगा, बी का। ये समीकरण नंबर तीन और ये समीकरण नंबर एक दो पहले दे दी तो इसको क्या देंगे, तीन और चार। अगर इनको भी एक और दो दे देंगे तो अपनी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है, इसे बेवकूफ़ी वाले काम करने नहीं है। ए बराबर जीरो समीकरण तीन से, यहाँ लिखेंगे समीकरण तीन से, तो समीकरण तीन से ए का मान जीरो प्लस बी बराबर पाँच, तो इससे बी बराबर कितना जाएगा, पाँच। तो इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ लिखना जरूरी है, समीकरण दो से, समीकरण तीन से, इसको इससे गुणा करने पर सब कुछ लिखेंगे तभी नंबर पूरे मिलेंगे। ये लाइन भी लिखनी है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना मामला, अब रजिस्टर में डालो इसे फेयर में, कर लिया नहीं है जरूरत, फिर भी रजिस्टर जब बनाओ ना प्रॉपर उसमें तरीके से उतार लेना है। ये लाइन तो उतारो, ये लाइन कहाँ कर ली, ऐसे करना है पेपर में, पूरा तरीका उतारो, डायरेक्ट नहीं करना वहाँ पे। अब ये टॉपिक पढ़ने के बाद बुक के काफ़ी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स का गुणनफल पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, अपन को दो कॉपी बनानी है मैथमेटिक्स की। कितनी बनानी है, एक तो अपना क्लास का रजिस्टर रहेगा, ठीक है, ये तो रखना ही है। इसके अलावा एक रजिस्टर और बनाना है जिसमें जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावलियों के, हर प्रश्नावलियाँ किताब में, हर प्रश्नावलियों के सारे सवाल अपन को करके देखने हैं। कुछ क्वेश्चन तो अपन क्लासों में कर लेंगे, बाकी आपको करके देखने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको वो क्लास में बताएंगे सही। ठीक है, तो प्रश्नावलियों के और उदाहरणों के सारे क्वेश्चन भी अपन को करके देखने हैं। उदाहरण और प्रश्नावली के बहुत से क्वेश्चन तो अपन को यहाँ क्लास में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपकी बुक में नहीं रहेंगे और उनसे अपना दिमाग क्या होगा, थोड़ा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो वह क्वेश्चन भी आपको उस कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है, हालांकि वो रजिस्टर में मैं करवा दूंगा, जो आपकी बुक में भी नहीं रहेंगे वो रजिस्टर में मैं करवा दूंगा। तो एक कॉपी अपन को उसके लिए बना ली, प्रश्नावली के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ताकि पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन अपन से नहीं बच सके। और अपना टारगेट क्या होना चाहिए, 100 out of 100। ठीक है, तो देखो अगला टॉपिक है अपना मैट्रिक्स का गुणनफल। मैट्रिक्स का योगफल अपन ने पढ़ा, मैट्रिक्स का व्यकलन अपन ने पढ़ा। मैट्रिक्स का योगफल सभी तभी संभव हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स के, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, क्रम एक समान होना चाहिए। ठीक है, तभी वो आपस में जुड़ सकते हैं। मैट्रिक्स का योगफल क्रम विनिमयता के नियम का, साहचर्यता के नियम का पालन करता है, जबकि मैट्रिक्स का व्यकलन इन दोनों नियम का पालन नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करेंगे मैट्रिक्स के गुणनफल की। अब इधर समझना, एक मैट्रिक्स अपने पास, यदि एक मैट्रिक्स है ए बराबर ए बी सी डी, और एक मैट्रिक्स अपने पास बी बराबर बी सी डी ई, नहीं तो वो नाम दे दो, ए बी सी डी तो गया, ई एफ जी एच, इसका ऑर्डर भी 2x2, इसका ऑर्डर भी 2x2। ठीक है, अब अपन को मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से क्या करना है, गुणा करना है, यानी ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैट्रिक्स ए बी का गुणनफल तभी संभव है जब पहली वाली मैट्रिक्स में, पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, ए, तो ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या, बाद में क्या आ रहा है, बी, तो जो पहले आ रहा है उसमें तो अपन स्तंभों की संख्या देखेंगे और जो बाद में आ रहा है उसमें अपन पंक्तियों की संख्या देखेंगे। किसके देखेंगे, तो पहली वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी उस मैट्रिक्स का गुणनफल ए बी संभव है, उन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल ए बी संभव है। अगर ए में स्तंभों की संख्या बी वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स का गुणनफल संभव। अगर हमें मान लो ए बी की जगह बी ए ज्ञात करना है,
तो फिर क्या करेंगे, बी में स्तंभों की संख्या देखेंगे और ए में क्या देखेंगे, पंक्तियों की संख्या। तो बी में स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी तभी मैट्रिक्स का गुणनफल बी ए संभव है। ठीक है, तो पहले लिखो मैट्रिक्स के गुणनफल की निम्न शर्तें होती है। हेडिंग डालने के बाद लिखो मैट्रिक्स के गुणनफल की निम्न शर्तें होती हैं। मैट्रिक्स के गुणनफल की निम्न शर्तें होती हैं। नंबर वन लिखो दो मैट्रिक्स ए व कैपिटल बी का गुणनफल ए बी तभी संभव है का गुणनफल ए बी तभी संभव है जब मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मामला। सेकंड पॉइंट लिखो पैराग्राफ चेंज करके या एक लाइन छोड़ देना बीच में। इसी प्रकार मैट्रिक्स का गुणनफल बी ए तभी संभव होगा जब मैट्रिक्स कैपिटल बी में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तीसरा पॉइंट लिखो मैट्रिक्स का गुणनफल पंक्ति स्तंभ विधि के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मैट्रिक्स का गुणनफल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हिंदी सीख तो इंग्लिश चल सकती है ना, एक तो ये भी हिंदी में लिखे
यदि कैपिटल ए बराबर अपन को मैट्रिक्स दे रखी है ठीक है, जरूरी नहीं हो ये वर्ग मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं उनका ऑर्डर समान हो, ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहली वाली मैट अगर अपन ए बी ज्ञात कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि पहली में जो स्तंभों की संख्या हो बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी, इनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है यहाँ पर ठीक है। यहाँ तो ऑर्डर भी सेम है, 2×2 × 2×2, ए बी अपन ज्ञात कर रहे हैं यानी ए को बी से गुणा कर रहे हैं, किसको ए को बी से गुणा कर रहे हैं, तो ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, आगे पंक्तियों की संख्या आती है और पीछे स्तंभों की संख्या आती है, तो स्तंभों की संख्या 2 और यहाँ पंक्तियों की संख्या 2 आपस में बराबर है, इनका गुणनफल संभव है। अब इसका गुणनफल कौन सी विधि के द्वारा सबसे बेस्ट है, हालांकि बहुत सी विधियों के द्वारा किया जा सकता है इसका गुणनफल, लेकिन सबसे बेस्ट जो मेथड है वह है रो कॉलम मेथड यानी पंक्ति स्तंभ विधि ठीक है। पंक्ति स्तंभ विधि क्या है, पहले ही वाली मैट्रिक्स में अपन पंक्तियों की संख्या देखेंगे और बी दूसरे वाली मैट्रिक्स में क्या देखेंगे, स्तंभों की संख्या। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं बी इधर लिख देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए ठीक है। बी बराबर 3, 9, 11, 15 ठीक है, अभी कारण पता चल जाएगा उधर क्यों लिखा मैंने। अब इधर देखना, पहले इस वाली पंक्ति को, ये पहली पंक्ति है, तो इस पहली वाली पंक्ति को पहले वाले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, विधि का नाम क्या है, पंक्ति स्तंभ विधम, पंक्ति स्तंभ विधि। तो पहले वाले में पंक्ति देखेंगे, दूसरे में क्या देखेंगे, स्तंभ, तो 3 इस 3 से गुणा होगा, 3 किससे गुणा हो जाएगा, इस 3 से, और बीच में लगेगा प्लस का चिन्ह, क्या लगेगा, फिर ये वाला 4 इससे गुणा होगा, किससे गुणा होगा, और लिखेंगे इधर, लिखेंगे कहाँ, इधर ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहले तो यहाँ पे प्लस लगा के, 3 को किससे गुणा करेंगे, 3 से कर दिया जो भी आएगा लिख दिया, फिर 4 को किससे गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे 4×11, पहली वाली पंक्ति का काम खत्म ठीक है। अब पहली वाली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के अवयवों से भी गुणा करेंगे, ये तो पहले वाले से गुणा करके यहाँ लिख दिया, अब 3 को किससे गुणा करेंगे, 9 से, तो 3×9, फिर लगाएंगे प्लस, फिर 4 को किससे करेंगे, 4×15 ठीक है। पहला अवयव इसका, पहला अवयव इसका, दूसरा अवयव इसका, दूसरा अवयव इसका, पहला अवयव इसका, पहला अवयव इसका, दूसरा अवयव इसका, दूसरा अवयव इसका ठीक है। यहाँ तक मामला, अब 9 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, प्लस आगे बताओ, 9 को 11 से। अरे यार क्या कर रहे हो, 9 को 3 से कर लिया ना, अब 9 को ही थोड़ी करेंगे, इसका दूसरा अवयव देखेंगे ना, ऐसी गलती मत करना, जल्दीबाजी में स्लिप मिस्टेक होती है पेपरों में, 100 से 99 पे आ जाएंगे, और ज़्यादा होगी तो 98 पे आ जाएंगे, नहीं जाना 98 97 क्या चाहिए, 100, तो 6 किससे गुणा होगा, 11 से, फिर अब 9 को किससे करेंगे, किससे करेंगे, 9 से, फिर प्लस, अब 9 को 6 को 6×15 ठीक है। एक बार और बता रहा हूँ, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू, ठीक है मामला। अब आगे देखो, गुणा करना तो आता है, 3×3 9, स्टेप बढ़ाना, डायरेक्ट मत कर देना, 44 9 जोड़ के डायरेक्ट लिख दो, तुम स्टेप बढ़ानी है तभी नंबर पूरे मिलेंगे, 3×3 9, 4×11 44। अब ये स्टेप बढ़ा के लिखना, एक तो तुम 44 और 9 तरेमन लिख दो, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिखना, नंबर डायरेक्ट ही मिलेंगे, नहीं तो नंबर, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन बड़ी काम की होती है ठीक है, जो कि अपन को पता नहीं है, डायरेक्ट कर रहे हैं अपन ठीक है, 100 में से कैसे भी नहीं आएंगे, नहीं तो इसके बाद 4 हो गए तो काम, 9×27 + 60, फिर 9×27 + 66, फिर 81+90, पहाड़े वाड़े याद नहीं है क्या, पहाड़े याद कर लेना, तोते की तरह रटे हुए होने चाहिए, 44 और 9
53 ए बी बराबर 53 27 60 87 66 और 7 73 83 93 60 20 80 73 90 80 170 171 ऑर्डर 2x2 ये ऑर्डर भी लिखना लास्ट में और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है छाप लो। तो देखो भाई अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यदि कैपिटल ए बराबर एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 α 0 1 तो ए की पावर 4 याद करो। यदि कैपिटल ए बराबर 1 α 0 1 तो ए की पावर 4 ज्ञात करो। ठीक है तो रब को अभी मैं सोल्व करके आंसर बताओ फटाफट। आ जाओ इधर मैदान में। अपन को ए की पावर 4 ज्ञात करना है। ठीक है तो या तो अपन तो दो मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं या तो एक को चार बार लिखें ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए और चार मैट्रिक्स को एक साथ गुणा करना तो अपन ने सीखा ही नहीं। दो का ही सीखा है। तो सबसे पहले यहाँ ए फोर ए की घात 4 को अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस थोड़ी प्लस करते 2a² हो जाएगा। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर यानी ए की घात 4 हो जाएगा लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर भी नहीं है। नहीं है तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। ठीक है एंड ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए। ठीक है अब ए को ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा ए हमारे पास है इसी को दो बार लिख देंगे। इसी को क्या करेंगे दो बार लिख देंगे तो 1 α 0 1 फिर लिख देंगे 1 α 0 1। इसे सोल्व करने पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर ए फोर को ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख देंगे। ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स आएगी उसको दो बार लिख देंगे और उनका आपस में गुणा कर लेंगे तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा ए चार का प्राप्त हो जाएगा ए की घात 4 का। आ गया समझ में? कैलकुलेशन मिस्टेक किए फिर तेने गुणा करने में आंसर गलत है लेकिन मैंने आंसर देखा है डायरेक्ट। तो ठीक है ना समझ में आ गया। घर पे इस क्वेश्चन को रफ कॉपी में सोल्व करना है और कल मेरे को चेक कराना है। ठीक है आंसर बता दूंगा फिर दिमाग नहीं लगाओगे तुम तो। वह तो गलत है तेरा तो। ठीक है दिमाग लगाना। ठीक है आंसर बता दूंगा तो दिमाग नहीं लगेगा। ठीक है ना तो ठीक है भाई आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद जय भारत।